लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा मंजू दिलेर का जिले में हुआ आगमन। भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को लेकर 59.048 करोड़ के बजट पर दी विस्तृत जानकारी। बताया कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PASSC की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपात्मक परिवर्तनों के साथ की अनुमोदित। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की पूर्व सदस्य, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा मंजू दिलेर का जिले में हुआ आगमन। इस दौरान उन्होंने मोड़ा कनेटा रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को लेकर 59.08 करोड़ के बजट पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्ष में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PMSSC की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि वे अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। बताया कि मंत्रिमंडल ने 59.048 करोड़ रुपये की कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए 60% खर्च करेगी और शेष राशि अन्य राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक रहेगी। SC जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में SC छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर GER उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। आज माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 59,000 करोड़ SC के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया है, जो मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके लिए ये आज प्रेस वार्ता की गई है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 5-6 दिन पहले एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उस बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 59,048 लाख करोड़ रुपए का जो अनुदान की अनुमति प्रदान की गई है, जो SC के छात्र छात्रा होते थे जो हाई स्कूल के बाद यानी कि 10वीं के बाद उनको आगे की एजुकेशन मिलने में बड़ी असमर्थताएं होती थी, उसका कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी होती थी और भी अन्य चीज़ें होती थी, उसके लिए एक ये प्रोविज़न किया गया कि पोस्ट मैट्रिक के बाद उच्चतम शिक्षा के लिए वो इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी जो पढ़ना चाहता है, जो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नियम, एक ऐसा अनुमोदन हमारी सरकार ने पास किया, उसके लिए आज प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच के साथ, जैसे कि आप जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये स्वप्न थे, ये उनकी इच्छा थी कि भारत के अंदर जो SC समाज रहता है, उस SC समाज के लोगों के लिए उन बजी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्वप्न को पूरा करते हुए